महाराष्ट्र के शावनेर तहसील में आने वाले केलवत थाना इलाके के ग्राम नंदा गौमुख के पास करीबन 2 बजे नाले में आई बाढ़ में जीप बह गई। आपको बता दें कि जीप में बैतूल जिले के मुलताई तहसील के ग्राम दतौरा के एक ही परिवार के 6 सदस्य बैठे हुए थे। शावनेर पुलिस ने 3 लोगों के शव नाले से बाहर निकाले हैं, वहीं शेष की तलाश जारी है। आपको बता दें कि SDOP ने बताया कि महाराष्ट्र के नंदा गौमुख के पास आज नाले में आई बाढ़ में जीप बह चुकी है, जिसमें मुलताई ददौरा गांव निवासी मधुकर पाटिल और उनकी पत्नी निर्मला और बेटी रोशनी समेत 3 अन्य लोग भी सवार रहे। कहा जा रहा है कि नाले में बाढ़ के बीच जीप निकाली जा रही थी, लेकिन तभी बहाव में वह बह चुकी है। जानकारी मिलने पर परिजन भी अवसर पर पहुंच चुके हैं। पुलिस के अनुसार नंदा गौमुख गांव की पुलिया पर यह दुर्घटना हुई। पुलिया के ऊपर पानी का बहाव तेज देखने को मिल रहा है, जिसके उपरांत भी चालक ने उसमें वाहन निकालने का प्रयास किया, लेकिन जीप तेज बहाव में बह चुकी है। वहीं स्थानीय लोगों ने केलवत थाना पुलिस को इस बात की जानकारी दी। केलवत थाना प्रभारी अमित कुमार ने कहा कि जीप में 6 लोग सवार थे, जिनमें से 3 के शव बाहर निकाले जा चुके हैं। अभी 3 की तलाश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।